हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, न्यूमेरिकल मेथड्स के पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन की थर्ड मेथड यानी कि न्यूटन रैप्सन मेथड देखी है, जिसमें हमने उसके एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल मेथड्स का सेकेंड चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इसकी शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम आज फर्स्ट मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने 10th क्लास तक साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सिंप्लीफाई किए हैं, जिसमें हमने उसे सिंप्लीफाई करने की डायरेक्ट मेथड यानी कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी है। और M1 पेपर में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की डिटरमिनेंट मेथड और मैट्रिक्स मेथड देखी है। तो ये सभी मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इक्वेशंस में नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा हो तब उस वक्त ये मेथड प्रैक्टिसेबल नहीं होती है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज किया जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसीलिए हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस देखने वाले हैं बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड। तो इस चैप्टर में हमें सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस फाइंड करना है, यानी कि हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस सिंप्लीफाई करने हैं बाय यूजिंग 3 न्यूमेरिकल मेथड्स। तो इसमें हमें फर्स्ट मेथड देखनी है गॉस एलिमिनेशन मेथड, फिर उसके बाद गॉस साइडल मेथड और आखिर में हमें जेकोबीज मेथड देखनी है। तो इन तीनों मेथड का यूज करके हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सिंप्लीफाई करने हैं, जिसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड ये डायरेक्ट मेथड है और रिमेनिंग टू यानी कि गॉस साइडल और जेकोबीज ये दोनों इटरेटिव मेथड है। तो ये तीनों मेथड का यूज हमें सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस फाइंड करने के लिए करना है। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसकी प्रोसीजर देखेंगे और उसके बाद हम उस पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट मेथड को यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड को। तो देखते हैं दोस्तों, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की फर्स्ट मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं ये मेथड क्या है। कंसिडर 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये है इक्वेशन 1। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, ये है इक्वेशन 2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ये है इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं और हमें इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड की प्रोसेस क्या है, किस तरह से हमें स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे इस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे टू एलिमिनेट द वेरिएबल यक्स। फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट्स ऑफ यक्स इक्वल इन इक्वेशन 1, 2, 3 बाय टेकिंग सुटेबल मल्टीप्लायर, देन ऐड और सब्सट्रैक्ट देम टू एलिमिनेट यक्स। दिस गिव्स पेयर ऑफ इक्वेशंस इन वाई एंड जेड इन ब्रैकेट इक्वेशन 4 और 5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये है फर्स्ट स्टेप। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिए गए तीनों इक्वेशंस में से एक्स वेरिएबल को इलिमिनेट करना होगा, यानी कि एक वेरिएबल हमें पहले इलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमें एक्स वेरिएबल इलिमिनेट करना है पहले। तो हम ये किस तरह से करेंगे, तो हमें दिए गए तीनों इक्वेशन के एक्स के कोएफिशिएंट हमें इक्वल करने होंगे बाय टेकिंग सुटेबल मल्टीप्लायर और उन तीनों इक्वेशन की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करके हमें एक्स वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। अब अगर हम डीप में देखें तो ये किस तरह से करना होगा हमें, तो पहले हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेना है। इन दोनों इक्वेशन में प्रेजेंट एक्स का कोएफिशिएंट पहले इक्वल करना होगा और उन दोनों के एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करके हमें पहले एक्स वेरिएबल को इलिमिनेट करना होगा। एक्स वेरिएबल इलिमिनेट होने पर हमें एक इक्वेशन मिलेगा जो वाई और जेड वेरिएबल में प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 लेना है। इन दोनों इक्वेशन में प्रेजेंट एक्स के कोएफिशिएंट हमें सेम करने होंगे और उन दोनों इक्वेशन की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करके हमें एक्स वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें वाई और जेड वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, यानी कि हमें इन तीनों इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करके 2 नए इक्वेशन बनाने हैं, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, जो कि वाई और जेड वेरिएबल में प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि हम इस फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्स वेरिएबल को
इलिमिनेट कर रहे हैं। अब यक्स वेरिएबल इलिमिनेट होने के बाद हमें सेकंड स्टेप क्या करनी है, टू इलिमिनेट वेरिएबल वाई फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई इक्वल इन इक्वेशंस 4 and 5 देन ऐड और सब्सट्रैक्ट देम टू इलिमिनेट वेरिएबल वाई दिस गिव्स वैल्यू ऑफ जेड। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो हमें फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन 4 और 5 मिल रहे हैं उन दोनों इक्वेशन में हमें वाई के कोएफिशिएंट पहले इक्वल करने होंगे और उन दोनों की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करनी होगी और वाई वेरिएबल को इलिमिनेट करना होगा। तो वाई वेरिएबल को इलिमिनेट करने के बाद हमें यहाँ पे जेड की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद हमें परफॉर्म करनी है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए फाइनली सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 4 और 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई देन बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ वाई एंड जेड इन इक्वेशंस 1 और 2 और 3 फाइंड वैल्यू ऑफ यक्स। तो लास्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमें सेकंड स्टेप में जेड की वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू हमें इक्वेशन 4 या फिर इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू ये दोनों हमें मिलने के बाद हम ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर 2 या फिर 3 इन तीनों में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फिर यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमें दिए गए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमें यक्स वाई और जेड इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है ये तीनों स्टेप परफॉर्म करके। अगर इस मेथड पे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सिर्फ 6 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर इस मेथड पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए ही होगा, तो इसलिए ये मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसीजर देखने के बाद हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑन गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। और हमें इक्वेशन दिए गए हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x - 3y + 3z = 5, 3x + 2y - z = 4। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर में हम पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर एक्स प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 6, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 2x - 3y + 3z = 5, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद लिखेंगे थर्ड इक्वेशन 3x + 2y - z = 4, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखते समय इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि पहले x वेरिएबल वाली टर्म, उसके बाद y वेरिएबल वाली, उसके बाद z वेरिएबल वाली और इक्वल टू हमें कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। बहुत बार हमें कंफ्यूज करने के लिए इक्वेशन इस तरह से दिया जाता है, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसे इस तरह भी दिया जा सकता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 = 0। तो हमें उसे लिखते समय इस फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि पहले x वेरिएबल वाली टर्म, उसके बाद y वेरिएबल वाली, उसके बाद z वेरिएबल वाली और इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। इस फॉर्म में हमें पहले ये तीनों इक्वेशन लिख देने होंगे, इसके बाद हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। तो देखिए हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करनी होगी, x वेरिएबल को इलिमिनेट करना होगा इन तीनों इक्वेशंस में से। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम y वेरिएबल को इलिमिनेट करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, और थर्ड स्टेप में हम z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और y और z इन दोनों की वैल्यू मिलने के बाद हम इन तीनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमें यह प्रोसेस करनी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप, यानी कि हम x वेरिएबल को किस तरह से इलिमिनेट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले लेंगे इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन के x कोएफिशिएंट हम पहले इक्वल कर लेंगे और उन दोनों की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y + 3z = 5। अब यहाँ पे हम पहले x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसमें से हम इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे इक्वेशन 1 × 2 - इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे,
टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन सेकंड, यानी कि टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिख देंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए सब्सट्रैक्शन, 2x में से अगर हम 2x माइनस करें तो कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए 2y में से अगर हम माइनस 3y सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2y प्लस 3y होगा और उन दोनों की एडिशन हमें क्या मिलेगी, 5y मिलेगी। उसके बाद आगे क्या होगा, देखिए 2z में से अगर हम 3z सब्सट्रैक्ट करें, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे होगा माइनस 3z और 2z माइनस 3z करने के बाद हमें मिलेगा माइनस z इक्वल टू राइट हैंड साइड में 12 माइनस 5 करने के बाद हमें मिलेगा 7। तो इस तरह से हमें यहाँ पे नया इक्वेशन क्या मिल रहा है, 5y माइनस z इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इक्वेशन सिर्फ y और z वेरिएबल में प्रेजेंट है, इस इक्वेशन में x वेरिएबल अब्सेंट है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये इक्वेशन बनाना है, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लेना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमें नया इक्वेशन बनाना है। किस तरह से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों में प्रेजेंट एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल करके फिर उनकी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन हमें करके नया इक्वेशन बनाना होगा। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में एक्स का कोएफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 3 में एक्स का कोएफिशिएंट 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इक्वेशन मिलेगा उसमें से हम इक्वेशन 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एंड इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 18। अब इसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन 3, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 4। और हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिख देंगे और सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, 3x में से अगर हम 3x सब्सट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे 3y में से अगर हम 2y सब्सट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस y, फिर आगे 3z में से अगर हम माइनस z सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस z, यानी कि 3z प्लस z इन दोनों की एडिशन हमें मिलेगी 4z इक्वल टू राइट हैंड साइड में 18 माइनस 4 हमें करने के बाद मिलेगा 14। तो इस तरह से हमें यहाँ पे नया इक्वेशन मिलेगा y प्लस 4z इक्वल टू 14, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 5। अब इसमें भी x वेरिएबल अब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे हमने x वेरिएबल को इलिमिनेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 4 में z का कोएफिशिएंट है माइनस 1 और इक्वेशन 5 में z का कोएफिशिएंट प्लस 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी एडिशन इक्वेशन 5 के साथ कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 4 इंटू 4 प्लस इक्वेशन 5 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए पहले हम इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 20y माइनस 4z इक्वल टू 28, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। इसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5, y प्लस 4z इक्वल टू 14। अब हम यहाँ पे एडिशन ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट सेम है लेकिन इन दोनों के साइन डिफरेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों की एडिशन, 20y प्लस y अगर हम करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 21y, आगे माइनस 4z और प्लस 4z इन दोनों की एडिशन अगर हम करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 28 प्लस 14 अगर हम करें तो इन दोनों की एडिशन हमें मिलेगी 42। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल रहा है, 21y इक्वल टू 42। अब इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे किस तरह से, तो हमें इस इक्वेशन से y इक्वल टू क्या मिलेगा, ये राइट हैंड साइड का 42 एज इट इज़ और ये लेफ्ट हैंड साइड का 21, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा 42 डिवाइडेड बाई 21 और 42
42 को 21 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 2। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल रही है 2। अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 4 या फिर 5 में सब्स्टिट्यूट करके z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू 2 इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इक्वेशन 5 क्या है दोस्तों, y प्लस 4z इक्वल टू 14 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 4z इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड के 2 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर आने के बाद ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस 2 हो जाएगा और हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, 4z इक्वल टू 14 माइनस 2 यानी कि हमें मिलेगा 12। और इस इक्वेशन से अगर हम z की वैल्यू फाइंड करें तो हमें z इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 डिवाइडेड बाय 4, और 12 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 3, यानी कि हमें z की वैल्यू मिलेगी 3। अब हमारे पास y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2 कॉमा z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए तो इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6 है। तो इसमें हम ये दोनों वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा x प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये x एज इट इज प्लस इन दोनों की एडिशन हो जाएगी 5 इक्वल टू ये 6 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये प्लस 5 शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 6 माइनस 5 और सब्सट्रैक्शन करने के बाद आंसर मिलेगा 1। तो इस तरह से हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी 1। अब हमारे पास सभी वैल्यू आ चुके हैं, तो हम फाइनल आंसर लिख देंगे, देयर फोर यक्स इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 2 कॉमा z इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड की सहायता से दिया गया सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड कॉमा सॉल्व द इक्वेशंस 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 कॉमा 10x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 16 कॉमा 3x प्लस 6y प्लस z इक्वल टू माइनस 6। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आंसर में हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, तो यहाँ पे हम इसके बाद इक्वेशन लिख देंगे, ये दिए गए तीनों 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 1, 10x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 16, इसे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, 3x प्लस 6y प्लस z इक्वल टू माइनस 6, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को देखें तो ये तीनों इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे आगे गॉस एलिमिनेशन मेथड की प्रोसेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें इन तीनों इक्वेशंस में से x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम पहले लेंगे, इन दोनों इक्वेशन में प्रेजेंट x के कोएफिशिएंट हम इक्वल करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करके फिर x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। फिर उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 लेंगे, उन दोनों इक्वेशन में प्रेजेंट x के कोएफिशिएंट इक्वल करके हम उन दोनों को सिंप्लीफाई करके x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो इस तरह से हमें प्रोसेस करके x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रोसेस। तो हम पहले इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 5 माइनस इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 10x प्लस 15y प्लस 10z इक्वल टू 10। इसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, यानी कि 10x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 16, और हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे और इसके नीचे हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 10x में से अगर हम 10x सब्सट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 0, उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे 15y में से अगर हम 3y सब्सट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा 12y। फिर आगे 10z में से अगर हम 4z सब्सट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस 6z।
इक्वल टू राइट हैंड साइड में 10 माइनस 16 अगर हम करें तो आंसर मिलेगा माइनस 6। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल रहा है, 12y प्लस 6z इक्वल टू माइनस 6। इसे हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से, इस कंप्लीट इक्वेशन को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 1। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में एक्स वेरिएबल अब्सेंट है। अब इक्वेशन 4 मिलने के बाद हमें यहाँ पे इक्वेशन 5 बनाना है, तो हम ये किस तरह से करेंगे, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 5 बना सकते हैं, या फिर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को भी सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 5 बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये किस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 में एक्स का कोई कोएफिशिएंट है 10 और इक्वेशन 3 में एक्स का कोएफिशिएंट है 3। तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे और उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे इन दोनों इक्वेशन का। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे इक्वेशन 2 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 3 इंटू 10 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगा 30x प्लस 9y प्लस 12z इक्वल टू 48। और इक्वेशन 3 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 30x प्लस 60y प्लस 10z इक्वल टू माइनस 60। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिलेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब हमें इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन 30x में से अगर हम 30x सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0, उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 9y में से अगर हम 60y सब्सट्रैक्ट करें तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 51y। फिर उसके बाद 12z में से अगर हम 10z सब्सट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस 2z इक्वल टू 48। में से अगर हम माइनस 60 सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये प्लस 60, और 48 प्लस 60 अगर हम करें तो आंसर मिलेगा 108। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 आ चुका है, इन दोनों इक्वेशन में एक्स वेरिएबल अब्सेंट है। अब इसके बाद हमें इक्वेशन 4 और 5 को सिंप्लीफाई करके एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे जेड वेरिएबल को इलिमिनेट। तो हम ये किस तरह से करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 के जेड वेरिएबल के कोएफिशिएंट हम इक्वल करेंगे और उन दोनों की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करके हम जेड वेरिएबल को इलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 4 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 5 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 4 को हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 4y प्लस 2z इक्वल टू माइनस 2। उसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5, यानी कि क्या है इक्वेशन, माइनस 51y प्लस 2z इक्वल टू 108। अब हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 4y में से अगर हम माइनस 51y सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे होगा प्लस 51y, यानी कि 4y प्लस 51y हमें मिलेगा 55y। फिर आगे 2z में से अगर हम 2z सब्सट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2। में से अगर हम 108 सब्सट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा माइनस 110। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है, 55y इक्वल टू माइनस 110। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयर फॉर वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये राइट हैंड साइड का माइनस 110 एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड का 55 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने के बाद हो जाएगा डिवाइड। तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस 110 डिवाइडेड बाय 55, और डिवीजन करने के बाद आंसर हमें मिलेगा माइनस 2। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल रही है माइनस 2। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करके z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे और इक्वेशन 4 में हम y की वैल्यू माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन
टू इंटू ब्रैकेट माइनस टू ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड इक्वल टू माइनस वन। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये टू इंटू माइनस टू हो जाएगा माइनस फोर, और इस माइनस फोर को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर आने के बाद ये प्लस फोर हो जाएगा और हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जेड की वैल्यू मिलेगी थ्री। तो यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू मिल रही है थ्री। अब ये जेड की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करके यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे पुट y इक्वल टू माइनस टू एंड z इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x प्लस थ्री इंटू वाई की वैल्यू माइनस टू ब्रैकेट क्लोज प्लस टू इंटू जेड की वैल्यू थ्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू टू। तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मिलेगा 2x माइनस सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू टू। अब इसे हम सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसिल हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगा टू एक्स इक्वल टू टू, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यक्स की वैल्यू मिलेगी वन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे यक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे देयर फोर यक्स इक्वल टू वन कॉमा वाई इक्वल टू माइनस टू कॉमा जेड इक्वल टू थ्री। तो इस तरह से हमें यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड की सहायता से सॉल्यूशन फाइंड करना होगा दिए गए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो ये था क्वेश्चन सेकंड, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है, यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड कॉमा सॉल्व 2x plus y plus z equal to 10, comma 3x plus 2y plus 3z equal to 18, comma x plus 4y plus 9z equal to 16। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर में हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर 2x plus y plus z equal to 10, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन वन। फिर उसके बाद 3x plus 2y plus 3z equal to 18, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू। और आखिर में x plus 4y plus 9z equal to 16, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर थ्री। तो इस तरह से हम यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बाद परफॉर्म करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड की फर्स्ट स्टेप। तो हमें पहले इन तीनों इक्वेशन में प्रेजेंट तीन वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले वाई वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन वन में वाई का कोएफिशिएंट वन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करेंगे। इसलिए हम पहले इक्वेशन वन और टू को सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इक्वेशन वन और थ्री को सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। तो इस तरह से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन फोर और फाइव, फिर उसे सिंप्लीफाई करके हम दूसरे वेरिएबल को इलिमिनेट करेंगे, तो रिमेनिंग थर्ड वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और उस वेरिएबल की वैल्यू हम बैक सब्स्टिट्यूशन करके रिमेनिंग टू वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, यानी कि हम पहले यहाँ पे वाई वेरिएबल को किस तरह से इलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन वन में वाई का कोएफिशिएंट वन है और इक्वेशन टू में वाई का कोएफिशिएंट टू है, तो हम इसे पहले सेम कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन वन इंटू टू माइनस इक्वेशन टू कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन वन को हमें टू से मल्टीप्लाई करना है और उस इक्वेशन में से हमें इक्वेशन टू सब्सट्रैक करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन वन को पहले हम टू से मल्टीप्लाई अगर कर ले तो हमें इक्वेशन मिलेगा 4x plus 2y plus 2z equal to 20। उसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू 3x plus 2y plus 3z equal to 18। अब हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे और सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन 4x में से 3x अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा x, फिर आगे 2y में से 2y अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2z में से अगर हम 3z सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, माइनस जेड
इक्वल टू 20 माइनस 18 अगर हम करें तो हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है, x माइनस जेड इक्वल टू 2, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 3 में y का कोएफिशिएंट है 4, इसलिए हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस इक्वेशन में से हम इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह से लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 4 माइनस इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 8x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 40। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16। और हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, 8x में से अगर हम x सब्सट्रैक्ट करें तो हमें आंसर मिलेगा 7x, फिर 4y में से 4y अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 4z में से अगर हम 9z सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस इनटू माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, और 4z माइनस 9z करने के बाद हमें मिलेगा माइनस 5z इक्वल टू 40 माइनस 16 करने के बाद हमें मिलेगा 24। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल रहा है 7x माइनस 5z इक्वल टू 24, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 5। तो हमारे पास अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 आ चुके हैं जिनमें दो ही वेरिएबल प्रेजेंट है। तो हमने इस स्टेप में क्या किया है दोस्तों, y वेरिएबल को इलिमिनेट किया है। अब हमें इक्वेशन 4 और 5 सिंप्लीफाई करने हैं और सेकंड वेरिएबल इलिमिनेट करना है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, अब जेड वेरिएबल को इलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 4 में जेड वेरिएबल का कोएफिशिएंट है -1 और इक्वेशन 5 में जेड वेरिएबल का कोएफिशिएंट है -5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस इक्वेशन में से हम इक्वेशन 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इक्वेशन 4 इंटू 5 माइनस इक्वेशन 5 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा 5x माइनस 5z इक्वल टू 10, और उसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन 5 यानी कि 7x माइनस 5z इक्वल टू 24। अब हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे। अब देखिए इसका सब्सट्रैक्शन, 5x में से 7x अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा -2x, फिर -5z में से -5z अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस 24 अगर हम करें तो यहाँ पे आंसर आएगा -14। अब इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू राइट हैंड साइड का 14 एज इट इज़ रहेगा और ये लेफ्ट हैंड साइड का -2 राइट हैंड साइड में जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड, यानी कि होगा डिवाइडेड बाय -2, और यहाँ पे डिवीजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा आंसर, 7, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होगा और 14/2 हमें मिलेगा 7। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल रही है 7। अब ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करके z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 4। हमें इक्वेशन 4 में x की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7 माइनस जेड इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई अगर करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए किस तरह से हम करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म 7 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस जेड इक्वल टू ये राइट हैंड साइड का 2 एज इट इज़ और ये -7, और राइट हैंड साइड में सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा -5, यानी कि हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, माइनस जेड इक्वल टू -5, और दोनों साइड का माइनस कैंसिल करने के बाद हमें जेड की वैल्यू मिलेगी 5। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है 7 और जेड की वैल्यू है 5, ये दोनों वैल्यू हम अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 7 कॉमा जेड इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे और ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 5
इक्वल टू 10। अब हमें ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना होगा, बहुत ही आसान ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 इंटू 7 होगा 14 प्लस वाई एज इट इज़ प्लस 5 एज इट इज़ इक्वल टू 10 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड की टर्म 14 और प्लस 5 इन दोनों को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू ये राइट हैंड साइड का 10 एज इट इज़, फिर माइनस 5 और आगे माइनस 4। तो हमने ये 14 और प्लस 5 इन दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, तो ये इधर आने के बाद इस तरह से होंगे। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिलेगा आंसर, माइनस 9, क्योंकि यहाँ पे 10 माइनस 5 करने के बाद मिलेगा 5 और 5 माइनस 14 करने के बाद मिलेगा माइनस 9। तो इस तरह से हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल रही है माइनस 9। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर, देयर फोर x इक्वल टू 7 कॉमा y इक्वल टू माइनस 9 कॉमा z इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना होगा बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद हम देखेंगे आज का लास्ट गॉस एलिमिनेशन मेथड का आखिरी क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। और हमें यहाँ पे इक्वेशन दिए गए हैं 6x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 19 कॉमा 3x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू 26 कॉमा एक्स प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 22। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर में हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन इक्वेशंस आर, और इसके आगे हम यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन लिख देंगे, इन तीनों को हम यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो पहले हमें इन तीनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में सेकंड वेरिएबल एलिमिनेट करना है, और हमें थर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, और उस थर्ड वेरिएबल की वैल्यू की मदद से हमें फर्स्ट टू वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से ही ये प्रोसेस हमें करनी होगी। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वेरिएबल का एलिमिनेशन किस तरह से करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जेड वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 में जेड का कोएफिशिएंट है -1, इक्वेशन 2 में है +1 और इक्वेशन 3 में है +6। तो पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इक्वेशन 1 और 2 की एडिशन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे 6x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 19, उसके नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन 2 3x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू 26। अब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में जेड का कोएफिशिएंट 1 है और इन दोनों के साइन डिफरेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। तो देखिए एडिशन 6x प्लस 3x अगर हम करें तो एडिशन हमें मिलेगी 9x, फिर माइनस वाई और प्लस 4y इन दोनों की एडिशन अगर हम करें तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, प्लस 3y, और ये माइनस जेड प्लस जेड इन दोनों की एडिशन अगर हम करें तो ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 19 प्लस 26 अगर हम करें तो यहाँ पे आंसर आएगा 45। तो ये मिलेगा हमें इक्वेशन 9x प्लस 3y इक्वल टू 45, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करके जेड वेरिएबल को इलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन 3 में जेड का वेरिएबल 6 है, तो इसलिए हम इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन के एडिशन हम इक्वेशन 3 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड इक्वेशन 1 इंटू 6 प्लस इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए पहले हम इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा 36x माइनस 6y माइनस 6z इक्वल टू 114, उसके नीचे हम लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 22, और हमें यहाँ पे एडिशन करनी है इसलिए हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं प्लस। अब देखिए इन दोनों की एडिशन 36x प्लस x अगर हम करें तो इसके एडिशन हमें मिलेगी 37x, फिर माइनस 6y और प्लस 2y इन दोनों के एडिशन अगर हम करें तो आंसर मिलेगा माइनस 4y, और ये माइनस 6z प्लस 6z इन दोनों के एडिशन करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में 114 प्लस 22 अगर हम करें तो एडिशन हमें मिलेगी 136। तो ये मिलेगा हमें इक्वेशन 37x माइनस 4y
इक्वल टू 136, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो इस फर्स्ट स्टेप में हमने जेड इस वेरिएबल को पहले एलिमिनेट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और सेकंड वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वाई वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो किस तरह से हमें करना होगा, इन दोनों इक्वेशन में प्रेजेंट वाई वेरिएबल के कोएफिशिएंट को पहले हमें इक्वल करना होगा और उसके बाद हमें उन दोनों की एडिशन करनी होगी, क्योंकि इक्वेशन 4 में वाई कोएफिशिएंट का साइन प्लस है और इक्वेशन 5 में वाई कोएफिशिएंट का साइन माइनस है। इसीलिए पहले हम कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 4 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 5 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, इक्वेशन 4 इंटू 4 प्लस इक्वेशन 5 इंटू 3 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा इक्वेशन 36x प्लस 12y इक्वल टू 180 और इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन मिलेगा 111 माइनस 12y इक्वल टू 408। अब हमें यहाँ पे इन दोनों के एडिशन करनी है, तो हम प्लस साइन लिखेंगे और यहाँ पे इन दोनों के एडिशन कर लेंगे। तो देखिए एडिशन 36x प्लस 111x, इन दोनों के एडिशन अगर हम करें तो एडिशन मिलेगी 147x, फिर आगे प्लस 12y और माइनस 12y, इन दोनों के एडिशन अगर हम करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू 180 प्लस 408 अगर हम करें तो आंसर हमें मिलेगा 588। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल रहा है 147x इक्वल टू 588। अब इस इक्वेशन से हम यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यक्स इक्वल टू ये राइट हैंड साइड की वैल्यू 588 एज इट इज़, और ये लेफ्ट हैंड साइड का 147 हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर आने के बाद ये डिवाइड होगा और यहाँ पे अगर हम डिवीजन करें तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, 4। तो यहाँ पे हमें यक्स की वैल्यू मिल रही है 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये यक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 4 या फिर इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस तरह से हमें सेंटेंस लिखना होगा, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 4 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 4 में x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा 9 इंटू x की वैल्यू 4 प्लस 3y इक्वल टू 45। अब इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, और 36 को अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगा 3y इक्वल टू 45 माइनस 36, और राइट हैंड साइड में अगर हम सब्सट्रैक्शन करें तो हमें इक्वेशन मिलेगा 3y इक्वल टू राइट हैंड साइड 9। अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या होगा, वाई इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, और 9 बाई 3 करने के बाद हमें वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे y की वैल्यू 3 मिलेगी। अब हमारे पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 या फिर 2 या फिर 3, इन तीनों में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 4 कॉमा वाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 कॉमा वी गेट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए x की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 प्लस 6z इक्वल टू 22। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये 4 एज इट इज़ प्लस 2 इंटू 3 यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, और 6 प्लस 4 अगर हम करें तो एडिशन आएगी 10। अब इस 10 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगा 6z इक्वल टू 22 माइनस 10। और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 6z इक्वल टू 12, और इस इक्वेशन से जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6, और 12 बाय 6 अगर हम करें तो जेड की वैल्यू हमें क्या मिलेगी,
टू। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जेड की वैल्यू टू मिल रही है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुके हैं तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, देयर फोर एक्स इक्वल टू फोर कॉमा वाई इक्वल टू थ्री कॉमा जेड इक्वल टू टू। तो इस तरह से हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड की सहायता से दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके एक्स वाई और जेड इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड की सहायता से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले दिए गए तीनों इक्वेशन में से आपको पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो वहाँ पे आपको दो नए इक्वेशन मिलेंगे, उन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फिर सेकंड वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, आपको थर्ड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब थर्ड वेरिएबल की वैल्यू की मदद से बैक सब्स्टिट्यूशन करके आपको पहले दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से आपको ये गॉस एलिमिनेशन की मेथड यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस मेथड का। तो इस मेथड के लिए ये चार एग्जांपल काफ़ी है दोस्तों, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स में और कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही आसानी मेथड है, जिस तरह से हमने 10th क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन सिंप्लीफाई किए थे उसी तरह से हमें ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। तो आशा करता हूं आपको ये चारों एग्जांपल समझ में आ चुके होंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड के। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।